तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे अगले वीडियो में। यस, तो ये वीडियो कोई गिटार विटार वाला है नहीं, जो हम लोग पहले बनाते थे, मतलब अभी भी बनाएंगे, सेम थिंग, नॉट एन इशू। तो ये कोई गिटार विटार वाला है नहीं, तो जिसको इंटरेस्ट नहीं है गिटार में, तो वो जैसा हमारा वीडियो 10 सेकंड देख के ही बंद कर देता है, तो बंद मत करिएगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग। तो आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे हमारे फर्स्ट होम स्टूडियो सेटअप की, यस, जिसका नाम है फोकसराइट स्कारलेट सोलो स्टूडियो 3rd जनरेशन। तो बिना किसी देरी के शुरू। डरो मत, डोंट टेक टेंशन। अरे वो जो डब्बा गिराया था ना, यही वाला कुछ था नहीं, मतलब तुम समझदार हो यार, समझदारों की इशारा काफी तुम्हें पता है। तो अब मैंने जैसा बताया था कि मैं आपको प्रोडक्ट की पूरी अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा और उसके साथ उसका रिव्यू भी दूंगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कितनी सावधानी से डिलीवर होता है। सबसे पहले आप मतलब किसी कंपनी से मंगाते हैं, जैसे मैंने अमेज़न से मंगाया है, तो सबसे पहले अमेज़न की एक बॉक्स पैकिंग आती है, कार्डबोर्ड बॉक्स पैकिंग, फिर उसके अंदर ये कार्डबोर्ड बॉक्स होता है, फिर उसके अंदर ये मर बॉक्स होता है, और इसके अंदर होता है असली मटेरियल। हाँ, मतलब असली माल इसके अंदर होता है। तो आप, मैं इसको साइड कर देता हूँ जैसा मैंने बताया। तो ये मटेरियल आता है आपका, जर्मनी में मैन्युफैक्चर्ड है और यूएस से आता है। तो अब हम इसको खोलेंगे, क्योंकि ज्यादा देर नहीं करनी है अपन को। तो आज हम इसको खोलेंगे इससे। ओ भाई, कुछ नहीं आता क्या? तो क्या इससे नहीं काटते? पागल नहीं काटते? पागल हो क्या? इससे काट लूं? अरे हद दे यार, नीचे टेप भी होता है। टेप भी होता है? सॉरी, टेप भी होता है, नीचे टेप भी होता है। टेप कट गया एक साइड का, ये कट गया, रख लेते हैं इसको, काम आएगा। देखना है क्या इधर से भी? दिखा दे, काम तो होगा। कैसा लगा स्कारलेट सोलो स्टूडियो? ठीक है, अब अगली तरफ कर लूँ। तो सबसे पहले तो हम डब्बा खोलने से पहले हम देख लें कि बॉक्स के आउटर में क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। मेन इन्फॉर्मेशन चारों तरफ तो ऐसा कुछ खास है नहीं, यहाँ एड्रेस है, कंपनी एड्रेस, यहाँ पर मटेरियल का नाम लिखा हुआ है डिफरेंट लैंग्वेजेस में, डिफरेंट, यहाँ पर वही सेम चीज नाम, और ये मैं आपको दिखाई चुका हूँ पहले, ये मटेरियल की फोटो। अब जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो इसकी ऐसे में आती है। तो इसमें सबसे पहले वो लोग 6 सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं। एक पहला है एविड प्रो टूल्स, जी हाँ, जो एक फर्स्ट फोकसराइट क्रिएटिव पैक है, मतलब ये क्रिएटिव पैक है जो एडिटिंग के लिए यूज होता है। फिर सेकंड है एबिंटन लाइवलाइट, ये रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर है। फिर ये NLX ऑडियो एडिप्टिव टूल्स, एक्सेलेंट ऑडियो एडिप्टिव टूल्स, ये एक टी सॉफ्टवेयर है जो म्यूजिक कंपोजिंग और एडिटिंग में काम आता है। ये सॉफ्टवेयर टाइम एंड टोन बंडल, ये इस बंडल का सॉफ्टवेयर है, इसमें आप टाइम मैनेज करते हैं और ये डिफरेंट टाइप का सॉफ्टवेयर है, काफी काम आता है। ये फोकसराइट रेड प्लगइन सूट है, मतलब इनका पूरा जो सूट होता है, सेट है, वो इसमें अवेलेबल है। और ये फोकसराइट प्लगइन कलेक्टिव, मतलब जो उनके प्लगइन्स का कलेक्शन है, ये वो है। और ये कंडेंसर माइक वगैरह की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये स्पीकर में कनेक्टेड, ये आप यहाँ से कंप्यूटर में कनेक्ट कर सकते हैं। माइक इनपुट है, गिटार इनपुट है, 2 गेन है, कंडेंसर माइक्रोफोन और हेडफोन्स। तो चलिए अब देरी ना करें, खोल देते हैं इसको। तो ये खुल गया है, तो इसके सबसे पहले स्टार्टिंग में देखिए क्या लिखा है, योर स्कारलेट एक्सपीरियंस स्टार्ट्स है, मतलब इसमें देखा है कि आप जब इसको केबल से जोड़ोगे तो क्या आएगा, मैक में ये आएगा, पीसी में ये आएगा, कुछ नहीं स्टार्टअप का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का। तो अब मैं इसको हटा नाउ, ये अमेज़न इनवॉइस है, क्योंकि मैंने अमेज़न से मंगवाया है। ये इनका इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, जस्ट एज इट इज, कुछ खास नहीं, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में वही 15 रूल्स लिखे हुए हैं। अब आता है असली। तो सबसे पहले हमें, चलो ठीक है, सबसे पहले मैं निकालता हूँ उस डिब्बे में से किसको, हेडफोन्स को। यस, देखिए ये हेडफोन्स हैं HP60। हाँ, ये HP60 हेडफोन्स हैं, HP60 MK3 हेडफोन्स,
सॉफ्ट क्वेश्चन टॉप। यस, इसका क्वेश्चन बिल्कुल सॉफ्ट है, मतलब सेकंड जेन से बेटर है ये, क्योंकि सेकंड जेन में ये फुल ओपन था और वो रबड़ का था तो वो ज्यादा बेनिफिशियल था नहीं, पर ये बढ़िया है। और इसमें इन्हें अपनी सीट्स का मार्क लगाया है स्कारलेट। और अगर मैं आपको ये साइड का दिखाऊं तो कार के जस्ट यस, हाँ, तो यहाँ पर हाई ग्लॉस फिनिश है स्कारलेट स्टूडियो के नाम से। और यहाँ पर आपको मिल जाते हैं मूवेबल हेडफोन सेट। यस, ये मूवेबल है, आप इनको बोथ साइडेड कर सकते हैं कि जैसे किसी को मिक्सिंग मास्टरिंग के लिए वन साइडेड लगाना है तो उसके लिए भी बढ़िया है। इसके अंदर आपको मिल जाते हैं हाई क्वालिटी फोम के लार्ज कप्स, जिससे आपके कानों को तकलीफ नहीं होती लगाने में और आपको बाहर की किसी भी नॉइस का अंदाजा नहीं होता। और फिर इसी के साथ है दूसरी साइड भी यही है, लेफ्ट एंड राइट, बीच में जो पोजीशन है ये वायर ओपन है, इसके थ्रू ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाता है। 7 स्टेप्स में सेट होता है फोन। और अब इसकी केबल के बारे में अगर बात कर लें, लेट मी ओपन जस्ट अ सेकेंड, यस 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 यस, तो इसकी केबल में ये केबल काफी लंबी है इसकी, और ये रिमूवेबल 6.35 mm जैक है, मतलब ये 6.35 mm का जैक है और ये 3.5 mm का छोटा जैक है। ठीक है, अब मैं इसको वापस लगा देता हूँ। तो अब मैं इसको, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि हेडफोन क्या है, ये रिमूवेबल जैक है जैसा मैंने आपको बताया कि 6.35 mm का जैक और 3.5 mm का मेन पिन। नाउ अब मैं दोस्तों आपको प्योरली दिखाने के लिए मैं इस बॉक्स को ऐसा साइड में रख देता हूँ जिससे आपको सब कुछ क्लियरली मैं दिखा सकूँ। तो मैंने अभी आपको जैसे दिखाया, आप देख सकते हैं ये XP60 हेडफोन्स क्या हाई ग्लॉस फिनिश है। कनेक्टिविटी की तो बात ही मत करिए, और डबल साइडेड रैपिंग, आप इसको ऐसा कर सकते हैं अपने काम के हिसाब से, लेफ्ट एंड राइट मार्क है, आप आसानी से इसको लगा सकते हैं, डेट भी लगी है मैन्युफैक्चर की, इसको एक बार लगा के देखते हैं। और ये ऐसा भी हो सकता है जैसे आपको कॉम्पैक्ट जगह में रखना है तो ये इसके लिए परफेक्ट है। और इसको लगाते हैं, इसको लगाने से ऐसा एक्सपीरियंस है कि आपको बाहर का 1% नॉइज भी नहीं आ सकती आपको। और इसके लार्ज ईयर कप्स काफी कंफर्टेबल है रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए। तो अब मैंने जैसा आपको हेडफोन्स के बारे में बता दिया है, ये थे HP60 M50 हेडफोन्स। अब हम मूव करते हैं हमारा सेकेंड प्रोडक्ट और वन ऑफ द मेन प्रोडक्ट्स ऑल्सो, द माइक्रोफोन। यस, दिस इज द कंडेंसर माइक्रोफोन। अब ये जो कंडेंसर माइक्रोफोन है ये काफी टेपिंग वेपिंग में है, पैकिंग्स में है, क्योंकि ऑब्वियसली मटेरियल पैक करना जरूरी है। दिस इज कार्बन सीलर है, दिस इज द माइक्रोफोन, इट इज वेरी लॉन्ग, मतलब काफी लंबा है, बढ़िया है। और ये पीछे 3 XLR है, आप देख सकते हैं इसको ध्यान से, इसमें XLR केबल लग जाएगी जो इसी के साथ आई है। ये है CM25MK3 माइक्रोफोन, ये काफी बढ़िया है विथ इंडिकेशन लाइट। यस, ये जो लाइट है ये माइक के चालू होने पे दिख जाती है। मैं आपको इसका स्टैंडर्ड लुक खड़ा होकर भी दिखा सकता हूँ इसको मैं। और इसमें 3 जेल प्रोवाइडेड है, मतलब ये जो जेल, ये जो नेट है ये काफी अच्छा है। और इसके अंदर मेन माइक्रोफोन का जो मटेरियल होता है वो है, और विद अ ग्लॉस फिनिश। यस, ये मैट फिनिश में है, मतलब ये ग्लॉस फिनिश में था जो चिकना था थोड़ा सा, और ये मैट फिनिश में है, मतलब थोड़ा सा प्लेन। तो काफी अच्छा माइक्रोफोन है इनका, और माइक्रोफोन में कोई खराबी नहीं है। और मैं तो वैसे भी पहली बार प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ तो मैं इतना बता नहीं सकता, पर ये रेड फ्लेवर इसको और सुंदर बनाती है। और ये माइक्रोफोन काफी बढ़िया है, और इनका इंडिकेशन लाइट फीचर भी इसमें बहुत बढ़िया है। और ये XLR माइक है, नॉट एन USB माइक, व्हिच इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग पर्पस। तो अब मैंने आपको माइक्रोफोन दिखा दिया जो था CM25MK3, ये है माइक्रोफोन। नाउ अब जो माइक्रोफोन को कवर करने के लिए और स्टैंड को जोड़ने के लिए जो हैंडल आता है, ये मतलब ऐसा माइक्रोफोन में लग जाएगा ये हिस्सा, ये माइक्रोफोन इस पे बैठ जाएगा, कस जाएगा, और ये हिस्सा माइक स्टैंड में लग जाएगा, इससे आपको सहूलियत होगी रिकॉर्ड करने में। और ये पड़ा है प्योर स्टील का। अब हम बढ़ते हैं हमारे मेन पार्ट की ओर, तो ये है द मेन थिंग। यस, ये मेन थिंग है, ये ऑडियो इंटरफेस है जिसके थ्रू आप अपना पूरा काम करेंगे। इसको मैं अनरैप कर दूं, तो पैकिंग बढ़िया है काफी इनकी, जिससे प्रोडक्ट बिल्कुल भी खराब ना हो सके। तो मैं आपको दिखाने के लिए, वाओ, व्हाट अ मैट फिनिश इट इज, क्या मैट फिनिश में है ये।
आप मतलब देख सकते हैं ये फोकस राइट का लोगो क्या उम्दा बना रहा है इसको, एकदम एक नंबर। और ये आपका यहाँ पर यूएसबी कनेक्शन है, जो आपकी यूएसबी केबल है वो उसमें फिट हो जाती है। ये आपके लाइन आउटपुट्स हैं, मतलब आप इनमें जोड़कर आप अपने मॉनिटर से कनेक्ट कर सकते हैं। और डबल स्पेस दिए गए हैं फोर कॉर्नर्स को इसको ऐसे रखने के लिए, जिससे ये बात काफी बढ़िया हो जाता है। और इसके साथ इसकी मोबिलिटी इसकी खासियत, यस इट इज वेरी, मतलब आप देख सकते हैं कि सेकेंड जनरेशन के कंपेरिजन में ये काफी छोटा है और काफी बढ़िया भी है। इसमें सेकेंड जनरेशन के अलावा इसमें जो भी नए फीचर्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये है माइक इनपुट, ये तो ऑब्वियसली होता ही है। तो ये एक माइक इनपुट है जिसमें इसके एक्सलर केबल के थ्रू माइक इनपुट होता है। ये 48 वॉट फैंटम पावर है, इससे आप अपने कंडेंसर माइक्रोफोन को और पावर दे सकते हैं, जिससे आपका माइक्रोफोन पावरफुल साउंड करे। और ये एयर फंक्शनैलिटी है, मतलब जिससे वोकल्स और क्लियर आते हैं, जो आप माइक में बोलते हैं जो गाते हैं वो और क्लियर आता है। ये माइक्रोफोन का गेन है, ये आपको काफी हेल्प करता है मॉनिटर करने में। और ये है आपका इंस्ट्रूमेंट इनपुट, यस आप इसमें गिटार यूज कर सकते हैं और कीबोर्ड यूज कर सकते हैं, और इसके लिए आपको लगेगा 6.35 mm to 6.35 mm जैक, यस। और ये है इंस्ट्रूमेंट गेन। नाउ दिस इज इंस्टेंट, मतलब अगर आप अपने इंस्ट्रूमेंट को गाते के समय के साथ साथ बजा रहे हैं तो आप इंस्टेंट बटन पे क्लिक करके आप काफी आसानी से इसको कर सकते हैं। ये इसकी बहुत ही अच्छी खासियत है। और ये है द होल डायरेक्ट मॉनिटर बटन, हाई ग्लॉस फिनिश के साथ, इनके गेन बटन से मैट फिनिश के साथ, ये है हाई ग्लॉस फिनिश के साथ, और ये काफी बढ़िया है। यहाँ पर आपको एक मिल जाता है डायरेक्ट मॉनिटर का बटन, जो कि काफी बढ़िया चीज है। अगर आप एक ही म्यूजिक कंपोजर हैं, आप सिंगर भी हैं, म्यूजिक कंपोजर भी हैं, और आपने वर्क टेबल के पास ही माइक करके आप उसमें काम करते हैं, तो ये आपको काफी बढ़िया मिल जाता है। और इसके साथ बोथ साइडेड यहाँ जिलेटिन कवर है, जिसके लिए हैंडल इसको निकालने के लिए, इधर भी ये लाइन आउटपुट्स मैंने आपको बता ही दिए हैं। और ये द यूएसबी इनपुट जो पावर भी देता है और इसको मशीन से कनेक्ट भी करता है। तो ये था हमारा ऑडियो इंटरफेस। अब हम मूव करते हैं एक्सएलआर केबल की। तो इसकी जो एक्सएलआर केबल है, यस ये तो ये फोकसराइट ब्रांड में बनी आती है, काफी बढ़िया ये केबल है। इसमें मतलब नॉइस पास नहीं हो सकती, हाई रेटेड केबल विथ ये जो है ये हिस्सा ये लग जाता है ऑडियो इंटरफेस में, क्योंकि यहाँ 3 होल प्रोवाइडेड है इसलिए। और ये हिस्सा ये लग जाता है आपके माइक्रोफोन पे, क्योंकि एक्सएलआर केबल के लिए 3 होल्स इसमें प्रोवाइडेड है। अब अगर मैं आपको इसको खोल के दिखाऊं, ये काफी बड़ी केबल है, मतलब आप इमेजिन लगभग 3 to 3.5 मीटर आई वुड लाइक टू शो केबल में भी निकल रही है, इतनी बड़ी है। तो अब ये थी एक्सएलआर केबल, काफी बड़ी। नाउ जो हमने यूएसबी केबल की बात करी थी, तो ये है यूएसबी केबल जो इसको कनेक्ट करती है आपकी मशीन से, आपके लैपटॉप से, आपके कंप्यूटर से। और ये थी यूएसबी केबल, ये भी काफी मतलब ठीक ठाक साइज है इसका, कि आप पीछे से किसी में कनेक्ट भी कर सकते हैं, अपना ऑडियो आराम से रख भी सकते हैं और काफी बढ़िया भी रहेगा। तो ये था हमारा आज का सेशन। अब देख सकते हैं आप कि डब्बा खाली हो चुका है, कुछ नहीं छुपा रहा, ठीक है, डब्बा खाली हो चुका है, ये डब्बा खाली हो चुका है। तो ये था हमारा ऑडियो इंटरफेस, माइक होल्डर, HP 60 MK3 हेडफोन्स, कंडेंसर माइक्रोफोन विच इज CM25 MK3, XLR केबल, USB जॉइन केबल। तो ये था हमारा इस सेट में। अगर आप इसको ओवरऑल अगर आज के डेट में अगर इसका प्राइस देखे जाए Amazon पे, तो आपको ये Amazon पे पड़ जाएगा 20,000 rupees का विद फ्री डिलीवरी ऑन एवर इंडिया, डिपेंड्स ऑन द एरिया, एरिया पे डिपेंड करता है। तो मेरे को ये 20,000 का पड़ गया है ओवरऑल सेट, फिर जो एक्स्ट्रा एक्सेसरीज जो मेरे को लगी, माइक स्टैंड एंड जैक केबल एक्स्ट्रा वो मैंने बाद में अलग से मंगाई है। पर ये सबसे बेस्ट है, अगर मैं इसका ऑनेस्ट रिव्यू दूं तो ये थिंग सबसे बेस्ट है। अगर आप अपना स्टूडियो स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर आप पॉडकास्टिंग करते हैं, तो सबसे बढ़िया चीज मैं आपको अगर प्रेफर करूंगा कॉस्ट एफिशिएंट थिंग, फोकसराइट स्कारलेट सोलो 3rd जनरेशन। तो ये था बस आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे और हम इसका सेटअप बिठाएंगे, फिर से गाने रिकॉर्ड करेंगे, वो तो ठीक चलता रहेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, हमने करी अनबॉक्सिंग, इसका ऑनेस्ट रिव्यू दिया, सॉफ्टवेयर कवर किए कि कौन से सॉफ्टवेयर हैं इसमें, और ये काफी बढ़िया प्रोडक्ट लगा मुझे। और मेरे हिसाब से आपको ये लेना चाहिए अगर आप अपने करियर शुरू करना चाहते हैं और आपका बजट अगर 20,000 है, तो दिस इज द परफेक्ट थिंग दैट आई।
तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, या वो गिटार का होगा या किसी चीज और का, फिर भी ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।